दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय जीएस विजडम स्कूल ऊना। पुलवामा में सीआरपीएफ की बस पर हुए आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों की खबर से अब देश की जनता का खून भी उबाल मारने लगा है। शुक्रवार को दी न्यू विशाल हिमाचल गुड्स ट्रांसपोर्ट सोसाइटी गगरेट के सदस्यों ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और दो मिनट का मौन रखा। सोसाइटी के प्रधान सतीश गोगी ने कहा कि अब सरकार पाकिस्तान से बात नहीं बल्कि करारा जवाब दे। वहीं पूर्व सैनिक विनोद ठाकुर ने कहा कि सरकार इसका कड़ा संज्ञान ले। साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए और केंद्र सरकार से पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग भी की गई। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ऊना का अग्रणी शिक्षण संस्थान जीएस विजडम वर्ल्ड स्कूल क्षेत्रवासियों को प्रदान कर रहा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। फुली एयर कंडीशनर कैंपस, बेहतर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, शिक्षा के लिए यूनिक मेथोडोलॉजी, प्रत्येक क्लास के लिए आदर्श स्टूडेंट टीचर रेशियो, हर बच्चे पर विशेष ध्यान। शिक्षा के साथ साथ खेल, डांस, म्यूजिक, आर्ट व अन्य क्षेत्रों में भी विद्यार्थियों की प्रतिभा विकास पर ध्यान। प्रैक्टिकल लर्निंग के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा को तराशने का कार्य स्कूल में किया जा रहा है। जीएस विजडम वर्ल्ड स्कूल में नए शैक्षणिक सत्र में प्रवेश प्रक्रिया आरंभ। सीमित सीटों के लिए स्किल टेस्ट बेस्ड एडमिशन। स्किल टेस्ट में 95% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 50 बच्चों को मिलेगा स्कॉलरशिप। संपर्क करें 9816842700। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो श्रीनगर में पुलवामा के पास सीआरपीएफ बस पे जो आरटीएक्स ब्लास्ट हुआ है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। ये जो उग्रवादी घटनाएं हैं, ये जो आतंकवादी है वो पाकिस्तान समर्पित आतंकवादी है। हमारी सरकार से ये विनम्र निवेदन है कि अब इस पे निंदा नहीं, इस पे मुंह तोड़ इनका जवाब देना चाहिए। क्यों, हम अपने कितने शहीद जो हैं वो यहाँ श्रीनगर में गवाएंगे। मेरी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी अपील है कि अब इनको सुझाव नहीं, इनको जवाब देना पड़ेगा। क्यों भी आगे के लिए ये जो आतंकवादी गतिविधियाँ हैं ये रुके। हमारे हिमाचल का भी एक नौजवान वहाँ शहीद हुआ है। देश के कोने कोने से नौजवान, कल 37 जवान हमारे शहीद हुए हैं और इनका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पहले 42 की खबर, 44 की भी आई है, लेकिन मैंने सुबह खबरें पढ़ी तो उसमें 37 हो रहे थे, लेकिन ये बढ़ेगा। और कितने जवान जो घायल हुए हैं, हम उनकी स्वस्थ कामना के लिए भगवान से दुआ करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ होकर देश की सेवा करें। हम लोगों को अब इंसाफ चाहिए, इनको मुंह तोड़ जो पाकिस्तान को है वो जवाब देना पड़ेगा। ये हमारी सरकार से मांग है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान। पुलवामा में फिदायीनी हमला हुआ है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम सरकार से अपील करते हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं खुद 5 साल बारामुल्ला में रहा हूँ, वहां के जितने भी लोग हैं सारे पाकिस्तानी समर्थक हैं, इस पर भी कड़ा एक्शन लिया जाए। कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं। ये आतंकी हमला पाकिस्तान समर्थित आतंकियों का खिलौना कृत्य है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। दुख की इस घड़ी में हम मुस्लिम समाज देश की सेना के साथ खड़े हैं। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए गगरेट से अजय ठाकुर की रिपोर्ट।